सके या होल खा सके, वो सबसे अच्छी चीज है। पूरा जो ग्लोबल इंडस्ट्री का बेस इज अबाउट 17 मिलियन टन्स, जिसकी वैल्यू है करीब 100 बिलियन डॉलर, एंड उसमें से करीब 14 मिलियन टन का विश्व में व्यापार होता है, जिसकी की कीमत करीब 20 बिलियन डॉलर की। ये है रफ एस्टिमेट है ग्लोबल पल्स इंडस्ट्री का। अनफॉर्चुनेटली कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स इट हैज नॉट ग्रोन सो वेल। आप देखिएगा कि जैसे पीछे नहीं दिख रहा होगा, गेहूं, मक्का, राइस और सोयाबीन में पिछले 5 दशकों में, 50 सालों में करीब 200 से 800% की वृद्धि हुई है। 200 से 800%, दिस इज अ ह्यूज क्रॉप, ह्यूज इंक्रीज। पल्सेस में अनफॉर्चुनेटली 1960 में जब प्रोडक्शन 40 मिलियन था, आज तक करीब 70, सिर्फ 30 मिलियन टन बढ़ा है, जो कि करीब 1% हर साल लगभग उसकी उसकी मात्रा है। उसका कारण यह था कि पल्सेस के ऊपर इट वाज कंसीडर्ड अ कॉम्प्लिकेटेड क्रॉप, डिफिकल्ट क्रॉप, पुअर मैन्स क्रॉप, तो ज्यादा उसके ऊपर रिसर्च की फंडिंग नहीं आई। पल्सेस को इस लेवल तक लेके आने के लिए कम से कम दलहनों के लिए 177 मिलियन डॉलर रिसर्च चाहिए हर साल। दिस इज द काइंड ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू टेक पल्सेस टू द लेवल ऑफ अदर मेजर क्रॉप्स। उसके लिए छोटी सी शुरुआत आपके आपका जो संगठन है सीसीएल्स, पहले सीसीएल्स था, अभी तो ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन है, तो उन लोगों ने 2003 में ये शुरुआत की, और 2003 नहीं, 2013 में माइनस थे, और करीब 3-4 साल की बहुत ही मेहनत के बाद दे वर सक्सेसफुल इन गेटिंग 2016 एज द ईयर ऑफ पल्सेस। तो 2016 का साल अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में उनको उसमें इसमें सफलता मिली, और उसके लिए अभी तक करीब करीब 20 मिलियन डॉलर, 125 करोड़ रुपए का कमिटमेंट हो चुका है इंडस्ट्री से। उसमें बहुत सारे आप लोगों ने योगदान दिया है, एसोसिएशन ने दिया है, क्रिकेट पल्स इंडस्ट्री ने दिया, बहुत सारे लोगों ने दिया है। तो उसमें सबसे जो बड़ा बेनिफिट हुआ है, इन्होंने तरह तरह की चीजें और उस इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। 2016 में नवंबर 2015 से फरवरी 2017 के बीच करीब 15 महीने के अंतराल में 700 मिलियन करीब 70 करोड़ इंप्रेशंस और लाइक्स हैव बीन जनरेटेड। दैट मींस कि 70 करोड़ लोगों के पास ये चीज पहुंची है, उनके बारे में, पल्सेस के बारे में उनको जानकारी हुई है। दिस इज अ ह्यूज अनप्रेसिडेंटेड रीच ऑफ पल्सेस, अवेयरनेस फॉर पल्सेस टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, दिस इज हिस्टोरिक। अब कुछ बात करते हैं कि क्या कहां कहां से क्या क्या पल्सेस हैं। दीज आर द मेजर प्रोड्यूसर्स एंड प्रोडक्ट्स, लेंटिल्स, पीज एंड चिकपीज। अगर आप आठ आठ देशों के बारे में अपनी जानकारी बराबर रखें, उसमें इंडिया ऑफ कोर्स द बिगेस्ट एलिफेंट इन द रूम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान, टर्की, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया, तो आपको कम से कम ये जो तीन प्रोडक्ट हैं, लेंटल्स, पीस, मटर, चना और मसूर दाल, पीली और लाल दोनों, तो इसमें आपको कम से कम आपकी 80% जानकारी इन आठ देशों को फॉलो करने में हो जाएगी। सवेरे उठ के आप पता कर लेंगे इन आठ देशों में क्या हो रहा है, खरीफ देश में, ऑफर्स में, सोइल मॉइस्चर में या वेदर में, तो आपकी जानकारी काफी अपडेट रहेगी इसमें। ये स्लाइड है कि पीछे, मुझे पीछे पूरा संदेह नहीं, पूरा विश्वास है कि किसी को नहीं दिख रहा होगा, मुझे नहीं दिख रहा यहाँ से इतना सारा डेटा है इसमें, लेकिन ये प्रेजेंटेशन अवेलेबल होगा, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें हर प्रोडक्ट के सबसे पांच कहाँ कहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, उससे आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसमें बस खाली आपको संक्षिप्त में बताता हूँ कि कनाडा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है लेंटल्स में, एंड द मेन मार्केट्स आर इंडिया, पाकिस्तान, टर्की, यूएई एंड श्रीलंका। चिकपीज इज अगेन ऑस्ट्रेलिया इज द बिगेस्ट, सॉरी ऑस्ट्रेलिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर फॉर चिकपीज, इन इंडिया, बांग्लादेश, यूएई आर द बिग मार्केट्स। काबुली चने के लिए यूएई, अल्जीरिया, टर्की, स्पेन, दीज आर द बिग मार्केट्स फॉर काबुली, इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। मटर के लिए बिटवीन कनाडा एंड रशिया, आई थिंक दे शेयर द बल्क ऑफ एक्सपोर्ट, एंड द मेन मार्केट्स आर इंडिया, चाइना एंड बांग्लादेश, दीज आर द थ्री। यहाँ पे थोड़ा सा ये बताना सही रहेगा कि कनाडा इज 41% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड। नंबर टू इज आई थिंक मेन, लेट मी गेट यू,
Number two is Australia 12%, number three is Myanmar 11%, number four is USA 10%, and China is at number five with 7%. So let me go back to that slide again. So okay, let's talk about the trend. So global export for Dalhan, for all these reasons, jitne maine uske baare mein bataye the, unke baare mein ki kyun sense ki mehatta badh rahi hai international market mein. Global exports are slowly rising. Aur jo basic secular trend hai, the production is growing too much in Canada and US. And historical trend, especially in consuming markets, be it India, Pakistan, or Turkey, is declining. With the, of course, with the welcome exception of this year, this saal jo hua hai Hindustan mein, 22 million ton. This is abhootpurv, historic. Matlab iske liye yahan ka jo kisan hai, hard working, anpadh, lekin anadi kisan nahi aata. Anpadh hai, lekin anadi kisan nahi hai. Government ki policy is also very good for last 2 years, pro agriculture, pro farming, which is what we need. हिंदुस्तान में 68% जनता गांव में है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली खेती से वे निर्भर है. उस आदमी की इनकम दुगनी की जगह कम से कम 5 गुनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका 68% आपकी पॉपुलेशन का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 16% है, इट्स अ मैटर ऑफ शेम. उसको कम से कम 5 से 10 गुना होना चाहिए, तब आपका देश तरक्की कर सकता, नहीं तो हम सब लोग वो सारा टैक्स भरते रहेंगे 50 साल. So in terms of superstars of pulses exporters, of course we have these 5 countries: Canada, Australia, Myanmar, USA, China. In terms of importer superstars, we have again have India, Pakistan, China, Egypt, Turkey, UAE. These are the major markets. ये है विश्व का global calendar. जो लाल रंग की line है, इस ये होती है कि कब आपने फसल की कटाई की, और हरे रंग की line है कब वहाँ पे sowing हो रही है. तो ये इतना इंटरेस्टिंग विषय है पल्सेस का, दलहन का. मुझे कोई भी 12 महीनों में से एक महीना ऐसा नहीं मिला जिसने कि हमारे इन मेजर देशों में कुछ ना कुछ एक्टिविटी ना हो रही हो. तो आप इतने अच्छे व्यापार में हैं कि आपको एक किसी भी क्षण ये आराम नहीं होगा कि आपके पास काम नहीं है. आपके पास कुछ ना कुछ हल्ला मचाने के लिए, झगड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ है. वेरी डाइवर्सिफाइड बेस ऑफ ट्रेड, विच इज अनलाइक एनी अदर कंट्री. इफ यू आर बीट प्रॉब्लम इज 3-4 महीने आपको, लेकिन पल्सेस में आपको हर महीने आपके पास कुछ ना कुछ काम है. अब थोड़ा सा और बोरिंग एसिडिटी पे नजर डाल लेते हैं. सो द ग्लोबल प्रोडक्शन इज राइजिंग. मेजर 4 चंक्स, ड्राई बीन्स, पीज, लेंटिल्स, चिकपीज, अबाउट 58%. इट्स आल्सो स्लोली एंड स्टेडी राइजिंग ट्रेंड फॉर द प्रोडक्शन ऑल द वे टू 2050. अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट द प्रोडक्शन राइजिंग टू 70 मिलियन टन्स फ्रॉम 46 मिलियन टन्स इन 1960, द पर कैपिटा कंजम्पशन पर व्यक्ति औसत जो है वो थोड़ा सा नीचे जा रहा है. तो लोगों में अभी इस चीज की जागरूकता और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, हमारी तरफ से, संघ की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से. और ये ट्रेंड खाली यहाँ नहीं, दुनिया में सब जगह है कि हम सब लोगों के बच्चे को दाल को खिलाने में बड़ी परेशानी होती है. वो पिज्जा खाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू ईट बर्गर्स, बट उसके लिए हमको कुछ ऐसी इनोवेटिव चीजें करनी पड़ेगी जिससे कि वो ये चीजें खाएं या नहीं खाएं, तो इसका जो बेनिफिट है उनको किस तरह से पहुंचे, उसके बारे में हम लोगों की चर्चा करेंगे. ये है वर्ल्ड सप्लाई एंड डिमांड. इसके लिए थोड़ा सा मुझे कागज का सहारा लेना पड़ेगा, बिकॉज मैं आपको मिसलीड नहीं करना चाहता हूँ. पीछे लोग बैठे हैं, उनको नंबर नहीं दिख रहा है. के बाद और अभी तक के बीच में 2016 was an exceptional year, एक अभूतपूर्व साल इसलिए था, because this year we like to call exceptional year of plenty. ये पहली बार ऐसा साल था जब 3 मिलियन टन, 30 लाख टन एक्सेस पल्सेस हुआ, जिसका कि सीधे का सीधा हमने देखा असर क्राइसिस के ऊपर. So in 2017 the pulses availability will be the production will be about 55.12 million tons, which is 0.7% higher than 2016. लेकिन 3 million ton का जो carry over है, वो अगर इसमें जुड़ जाएगा, तो आपका जो total availability है 2017 में, वो हो जाएगी 58.25, which is
3 million tons higher, and this explains the bearish sentiments in the market. It's simple supply and demand. ये शीट है पीज की. पीज में ग्लोबल प्रोडक्शन 2017 में, जब 2017 की बात कर रहा हूँ, सो आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, 2017 में 8% बढ़ जाएगा, विच विल बिकम 12.96 अबाउट 13 मिलियन टन्स, जो कि पिछले साल 14 मिलियन टन्स था, तो इसमें करीब 8% का 8% की कमी है. ग्लोबल लेंटिल प्रोडक्शन, दिस इज नॉट ग्लोबल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कनाडा, ऑल द कंट्रीज. Global lentil production is will come down also 4% to 6.26 million tons versus 6.52 million tons in 2016-17. Chickpeas production, both thoda sa different story aap hai, both for desi and kabli. Iske aage main breakdown bhi dunga uska. Isme kareeb 11% increase hoga 2017 में, और ये इसकी संख्या है 13.18 मिलियन मेट्रिक टन्स वर्सेस 11.97 मिलियन मेट्रिक टन्स 2016. बीन्स आर समवट साइडवेज विद 2.5% इंक्रीज इन प्रोडक्शन टू 22.7 मिलियन टन्स वर्सेस 22.13 मिलियन टन्स इन 2016. नाउ In summary, we are looking, if you look at all these charts, their charts for the top line is lentils, only these two are peas, with the exception of kabuli chickpeas and desi chickpeas. Mostly they are showing downward trend. And as we said, it is not the right time to predict for 2017-18 cycle because we are still in March. And kisan duniya mein kahin ka bhi ho, bahut hi intelligent hota hai. Aap usko kam mat samjhiye. वो लास्ट मोमेंट तक सोचेगा, देखेगा, एंड देन ही विल डिसाइड व्हाट दे हैव टू डू. ऑफ कोर्स देयर इज अ सर्टेन एरिया, टनेज, एकरेज व्हिच वी हैव टू डू बिकॉज़ ऑफ क्रॉप रोटेशन, बट अदर देन दैट, इफ दे आर नॉट गेटिंग द राइट सिग्नल, वेदर बी इंडिया और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, आपको तब तक पता नहीं चलेगा कि कितना हम लोगों के पास है. लेकिन अगर अच्छा प्राइस का सिग्नल गया तो हम अपने खलिहान के नीचे भी जमीन है वहां भी हम चना बो देंगे. So that is also for sure. अब थोड़ी सी चार पांच कुछ ट्रेंड्स के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं, उससे कि क्या क्या हो रहा है, जो कि अदर देन बाइंग एंड सेलिंग व्हिच वी डू एवरीडे. अदर देन राइजिंग इनकम, ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द इमर्जिंग मार्केट्स एंड चेंजिंग ईटिंग हैबिट, देयर आर सिक्स थिंग्स फॉर व्हिच pulses are being appreciated and being known. These are new things. Number one is that pulses are being projected by exporting nations, that this is the only non-GMO produce, which is a big deal in Europe, in North America. Not so much here, but it's a big deal. They are also gluten-free. That means that you don't get allergy by eating pulses, or you don't get problems which are associated with gluten. They are also non or very low allergen. That means pulses do not have any ingredient which gives you allergy. It is being viewed as a food ingredient processing. So if the global food processing industry realizes, and which they are realizing, that's why you have 700 million likes and impressions in only 1 year. If they start using pulses as an ingredient in their snacks, in their chips, in their burgers, in their pastries, in their pastas, this will unleash such a big impact on the pulse industry, which is unimaginable. And pulses are being targeted as a healthy superfood and sustainable because they are good for soil, good for farmers, and good for environment. These are six trends which are propelling pulses demand, not only in the traditional markets like India, but globally. Farmers all over the world, they will grow where they make money. Simple. By way of MSP, direct bonus, indirect bonus, direct prices, they are not concerned. If they do not get enough money, they will not grow. So we have to remunerate them as much as possible. It is my belief, if I can eat 750 rupees of pizza, I can buy dal at whatever price possible. This is my belief, that we should be ready to pay that price. South Asian consumers, especially in the emerging markets, will buy something which is affordable, cheap, unless it becomes an aspirational food. Sometimes things are so aspirational that even if they are more expensive, we still buy.
developing countries will keep improving their yields, so the way the whole world became surprised as if India has done something amazing by producing 22 million tons. No. If we need something, the government support is there, the production can be enhanced to a level like 22 million tons was unimaginable till few years ago. But we achieved that. So that's something amazing. Government interventions in those countries which are population driven, where the food is a basic necessity. Roughly in India, the average person spends about 50% of the money on the food. So wherever this kind of money is being spent on food, the government will intervene. They have every right to intervene. So please be ready with that. Please be ready with the fumigation problem. Please be ready with the stock limit. These things are bound to happen. Consolidation will lead to shorter value chain. That means from farm to fork, from production to destination, the chain will become shorter. So much so that you will have direct producers having their own base and destinations and distribution, so this chain will become shorter. This is becoming shorter all over the world. Intense, and that will lead to intense market share for competition. So market is gonna get competitive, but nothing to worry. Bazaar ka size itna bada hai, usme, this is another very interesting thing about, ye sirf ek akela aisa vyapar hai, ki isme $100 billion wali company bhi hai, aur 5 container wale bhi hai, aur dono ka gujara hai, dono saath saath baith ke bilkul aaram se kaam kar rahe. This is another beautiful thing about the present day. New origins, aise aise countries se daale aa rahi hai, jinka main koi naam bhi nahi sun, uske baad mein dekhna padta hai ki country kahan pe hai, isme se kya kya cheezein nikal rahi hai. तो इस सब इस संदर्भ में हम लोगों का जो स्वार्थ वाला क्वेश्चन था कि हमारा क्या इसमें इस सब चीज से मुझे क्या मिलने वाला है. ये शीट है जिसमें कि अगले 15-20 साल तक एक दशक के अंदर कि हिंदुस्तान में कितनी दालें चाहिए होंगी. दिस इज नॉट अ प्राइवेट प्रोजेक्शन, दिस इज अ प्रोजेक्शन बाय द गवर्नमेंट दैट एट करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, एट करंट लेवल ऑफ डिमांड, दिस इज मेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल रिसर्च कानपुर. It is indeed their number that in 2030, which is not for only a matter of decade, we will need 32 million tons. And today we are sitting at 22 million tons, historic high number. So 10 to 12 million tons additional number we have to grow, generate, import, process. Somehow we have to get this from somewhere. So there is a huge opportunity for processing, trading, supply chain, import, export, support industries, logistics, it is there. So this, we are in a very important and big market segment. Food globally is a $5 trillion business, $5 trillion. And in next 40 years, paraphrasing the president of GPC, in next 40 years, we will have to grow food which we grew in last 10,000 years. अगले 40 साल में हमको उतना चीजें दाल दलहन अनाज ग्रो करना पड़ेगा जो हमने सब इलाके पिछले 10,000 साल में उगाया है. दिस इज द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी वी आर सिटिंग एट. ये अगर आप एक मैप देखेंगे, सो द नंबर ऑफ द मिडिल मैप, द सेंट्रल मैप इज द नंबर ऑफ द कंट्रीज आर डिस्प्रोपोर्शनेट बिकॉज जो कंट्री में जितने ज्यादा मैल नरिश्ड होंगे उसका साइज उतना बड़ा होता है. Left side mein is the food security. The darker colors are the country most vulnerable for the food security. Right side is the protein intake. So lighter countries need more protein. So in vegetable protein intake has gone from 61% up from 2000 to 2014. Pichle kareeb 5 saalon mein 61% consumption of vegetable protein is increasing because of health benefits, because of awareness, what is good for you or not. And unfortunately or fortunately, 87% of this comes from those proteins which are not fully digestible, like soybean and gluten, like wheat. And not so much in India, but globally there is a perception that these are gluten, so they're not really suitable and they are genetically modified. Versus pulses, which do not have this kind of preconceived notion or this kind of stigma attached to it. So pea protein right now is just 2% of the global market, but it increased 46% in the last 2 years, 46% increase in the pea protein market.
And average growth rate is 14.5%. 15% के हिसाब से ग्लोबली ये इंडस्ट्री बढ़ रही है. सो जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर, सिर्फ ये प्रोटीन सेगमेंट इज अबाउट $44 बिलियन. सो देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, इज अ ह्यूज मार्केट फॉर ऑल दिस इंडस्ट्री प्लेयर्स टू पार्टिसिपेट इन दिस. सो द टेक होम मैसेज इज ग्रो मोर पल्सेस, eat more pulses, trade more pulses, use more pulses, promote pulses, because they are not only good for our your pocket, also they are good for all the marginal farmers all over the world. They give way to healthy living, good for soil environment, and they also help environment for to fight climate change. आखिर में थोड़ी सी फिल्म पब्लिसिटी कर लेता हूँ. 2017 में there is a global convention. IPGA is a very core pillar and member of Global Pulse Confederation. This is happening in Vancouver, July 10th to 13th.